फेज डायग्राम। समझिएगा बात को, देखिए हो ये रहा है, तीन तरह की फेज होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो तीन तरह के पॉइंट्स भी आते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम रहे, समझना इस बात को। ये आपके पास सॉलिड है और ये आपके पास लिक्विड है। जनरली ऐसा देखा जाता है हाई टेम्परेचर पे पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, और लो टेम्परेचर पे पूरा लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? हमें चाहिए कि आधा सॉलिड हो और आधा लिक्विड हो, उसे बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। ये दो बातों पे डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर पे, दूसरा प्रेशर पर। पहला किस पे? टेम्परेचर पे, और दूसरा प्रेशर पे। प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ये इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज होती है। तो मैं यहां पर ये बोलूंगा प्रेशर इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, क्या ये फिक्स होते हैं? ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, लेकिन अगर ये फिक्स है तो ये भी फिक्स रहेगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? और इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम दस। और यहां पर इफ प्रेशर जो इक्विलिब्रियम का है वो 1 atm ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? 1 atm, तो उस टी इक्विलिब्रियम को आप बोलोगे टी फ्रीजिंग पॉइंट FP और इस नॉट। नॉट का मतलब प्रेशर स्टैंडर्ड है, इसलिए ये भी स्टैंडर्ड कहलाएगा, स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि सर फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या अलग अलग है? देखो सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए आपने प्रोसेस कहां से चालू किया है वो इंपॉर्टेंट है। सॉलिड से लिक्विड है तो आप बोलेंगे मेल्टिंग, मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो बनाना शुरू किया आपने तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट। तो कुल मिला के बात यह है कि दोनों टेम्परेचर सेम ही है, बस कॉन्सेप्ट्स में ये है कि कहां से आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था। तो क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग अलग आएगा? क्या नहीं, सेम आएगा। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप पानी के लिए देखेंगे, वाटर के लिए देखेंगे, तो वो कितना आएगा? 0 degree Celsius, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो आपके लिए रहा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्या ऐसा भी हो सकता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आए? हाँ, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। देखो लिक्विड से वेपर बनाना है तो किसी भी टेम्परेचर पे बन जाएगी, 100 डिग्री पे भी बन जाएगी, 200 पे भी बन जाएगी वाटर के लिए, लेकिन दोनों में इक्विलिब्रियम बने रहे लिक्विड और वेपर के बीच में, तो वो आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना रहेगा। और कब बना रहेगा? जब प्रेशर एक्सटर्नल 1 atm हो। तो इसीलिए हम यहां पर भी पी इक्विलिब्रियम और टी इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इस टी इक्विलिब्रियम को अपन बोलेंगे टी बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? टी बॉइलिंग पॉइंट। और यहां टी इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे टी फ्रीजिंग पॉइंट या टी मेल्टिंग पॉइंट। ऊपर की तरफ पी का मतलब पॉइंट है, पॉइंट का मतलब टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, इज दैट क्लियर? तो या लगाना जरूरी है आपके लिए, आप दोनों को एक साथ नहीं बोलेंगे। तो ये तो आपके पास आ गया 10। और यहां पर भी केस है, इफ प्रेशर जो इक्विलिब्रियम का लिया हुआ है आपने, एक्सटर्नली रहेगा उस इक्विलिब्रियम को बनते वक्त, वो अगर 1 atm लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है? 1 atm, तो आपके पास जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बनेगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू फिक्स होती है? नहीं, वेरी करती है। किसके साथ? एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm कर दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है? हाँ, फिर कॉन्स्टेंट है, फिर वो किसी और पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? थर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर की पॉइंट भी है, की पॉइंट क्या है ध्यान से देखिएगा इस जगह। क्या
बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ चेंज हो रहा है, हाँ, या प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के साथ चेंज हो रहा है, हाँ, दोनों, तो उनमें क्या रिलेशन है, उस चीज को समझते हैं, उस चीज को भी समझते हैं हम। तो वो हमारे पास है, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आता है हमारे पास लॉग पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। ये हमारे पास इक्वेशंस है। इस इक्वेशन की सहायता से, यानी हेल्प से, अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट दिया है और किसी और प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर प्रेशर पर आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो किसी और प्रेशर पर आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 1 atm पर P1 लिख दिया, 1 atm, बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपके पास? T1 की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में मत रखो, केल्विन रखो, कितना है? 373, 373 रख दिया। और ऐसी जगह जा रहा हूं जहां पर प्रेशर 1/2 है atm, तो 1/2, बताइए वहां पर प्रेशर क्या होगा? अलग होगा, तो वो प्रेशर आप निकाल सकते हो, सही है? तो एक आइडिया से मैं बोल रहा हूं कि जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे प्रेशर कम होता है इस इक्वेशन में, वैसे वैसे उसी तरह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? तो ये आपके पास एक छोटा सा पॉइंट हो गया, क्योंकि इसके अंदर आपके पास इस तरह का रिलेशंस बनेगा। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका पास? कम होता जाएगा। यानी कि आपको मान के चलिए कि अगर अर्थ पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर के लिए 373 केल्विन है, तो एवरेस्ट पर बॉइलिंग पॉइंट 373 नहीं होगा, हो सकता है ये 360 ही रह जाए केल्विन में, या 350 ही रह जाए, कम होगा, 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड का या सेल्सियस का डिफरेंस तो आना तय है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, की पॉइंट क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर में ये रिलेशन है। क्या ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में भी लग सकता है? हाँ, लग सकता है, ठीक है ना? तो फिलहाल तो मेरे लिए ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिए लगा रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से क्लियर है? फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत आएगी, हम वहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पाएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, एरर भी आती है। तो आप सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये पॉइंट लगाएंगे, ठीक है? अब आता है, आपने तीनों चीज पढ़ ली, सॉलिड लिक्विड दिस, थर्ड पॉइंट, क्या ऐसा हो सकता है कि लिक्विड इस तरह से, तीनों एक साथ नहीं, पहले हम लेंगे सॉलिड और सीधा वेपर या गैस जो भी है, इनमें इक्विलिब्रियम हो। हाँ देखो, सॉलिड को गर्म करो बहुत हाई टेम्परेचर पर, सीधा वेपर में चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा? नहीं, सही है? तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहलाएगा, ना वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ना कुछ कहलाएगा, ना वो लेकिन ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करते हो साथ साथ, यानी 50% ये 50% ये, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे सब्लिमेशन टेम्परेचर, सब्लिमेशन टेम्परेचर, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे दोनों 50-50% हो, या ये बोला जाए पार्शियली ये पार्शियली रहे, कुछ सेकंड के लिए नहीं, इनफाइनाइट टाइम के लिए, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बहुत लंबे टाइम के लिए। तो ये हमारे लिए हो गया सब्लिमेशन टेम्परेचर, क्लियर है? अब बात आती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड और वेपर तीनों 33-33-33% हो? हाँ, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलेंगे? ट्रिपल पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट आ सकता है कि सॉलिड लिक्विड और वेपर, या गैस भी बोल सकते हो आप, तीनों एक साथ हो तो टेम्परेचर को बोलेंगे हम टेम्परेचर प्रेशर, और टेम्परेचर प्रेशर ये एक ही वैल्यू होती है, टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज हमारे लिए कहलाएगी ट्रिपल
ट्रिपल पॉइंट। इमेजिन करिए कि आप एक कंटेनर ले रहे हैं जिसमें पानी उबल भी रहा है, बॉयल भी हो रहा है, समझ में आ रहा है, और आइस भी बना हुआ है, तो उस पॉइंट को आप बोलोगे ट्रिपल पॉइंट। तो ऑब्वियसली ये रूम टेम्परेचर या नॉर्मल कंडीशन पे तो नहीं मिलेगा आपको, 180 पे तो मिलेगा ही नहीं। तो इसको करने के लिए आपको एक ऐसा कंटेनर बनाना पड़ेगा जिसमें प्रेशर बहुत ही कम हो, क्योंकि ये बहुत ही कम प्रेशर पे ट्रिपल पॉइंट आप गेन कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आपको मिलेगा ही नहीं कि तीनों चीजें हो। तो आप समझिए बात को, ये आपके पास पानी है, एक तरफ बॉइल हो रहा है, बॉइल हो रहा है, और एक तरफ क्या है, क्रिस्टल है, आइस। अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तब आप इस पॉइंट को बोलेंगे, ये आपके पास आइस है, ये बॉयल भी हो रहा है और ये लिक्विड भी है। तो बॉयल हो रहा है तो वेपर भी है, तो एक तरह से तीनों चीजें इक्विलिब्रियम में है। और इसी पॉइंट को, यहां जो टेम्परेचर रहेगा और प्रेशर रहेगा उसको हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ओवरऑल उसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। क्या ये वेरिएबल होगा? नहीं, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है, ये की पॉइंट बोलेंगे, इट इज ए फिक्स वैल्यू, इट इज ए फिक्स्ड वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो हमें यह तो समझ में आ गया ट्रिपल पॉइंट क्या है। लेकिन अगर हम फेज डायग्राम को डायग्राम की तरह समझें तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम को अगर हम डायग्राम की तरह से समझते हैं तो कुछ इस तरह से चलेगा। मैं एक तरफ पैरामीटर ले रहा हूं प्रेशर का, एक तरफ ले रहा हूं टेम्परेचर का। किस तरफ प्रेशर ले रहा हूं? यहां, और यहां टेम्परेचर। यह है वाटर के लिए, वाटर फेज डायग्राम। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि यहां पर आपके पास क्या है, इस जगह, इस जगह आपके पास प्योर सॉलिड, इस जगह लिक्विड। लिक्विड और इस जगह आपके पास वेपर। तो एक तरफ सॉलिड है, एक तरफ लिक्विड है, एक तरफ वेपर है। तो और इस पॉइंट को मैंने मान लिए तीनों नाम, एक को नाम दिया ए, एक को नाम दिया बी, और एक को नाम दिया सी, और इस तरफ सेंटर पे दे दिया नाम ओ। तो अब आप देखिए, मेरे को बताइए ओ ए, ओ ए क्या कहलाएगा इस जगह? सॉलिड लिक्विड के बीच में कर्व है, तो इसको कौन सा कर्व बोलेंगे? सॉलिड लिक्विड के लिए फ्यूजन, फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व। क्या आप बॉइलिंग, इससे बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं? नहीं। क्या इसे मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हैं? हाँ। तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे ए से ओ के बीच में, क्या बताएंगे आप? मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट बता रहे हैं यहां पर, तो क्या वो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, ए अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग है। तो आप कुछ खास पॉइंट बता रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है? कम, पक्का? और या प्रेशर जैसे जैसे कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा, बात एक ही है। तो ये आपको बहुत अच्छे से बता रहा है कि हाई प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई प्रेशर पर लो होगा और लो प्रेशर पर हाई होगा। तो बताइए आप मेरे को, सिंपल सा है, एक डायग्राम बना देता हूं मैं। ये मेरे पास पहाड़ है, ये मेरे पास पहाड़ है, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा।
मैं जैसे तैसे चढ़ के यहां पर देख रहा हूं, यहां पर कितना है 180 एटीएम, और मान लीजिए इस जगह पहाड़ पर कितना है हाफ एटीएम, सही है। ये हमारे पास माउंटेन एवरेस्ट मान लीजिए, ठीक है। तो आप बताइए यहां पर 180 एटीएम पे मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, जल्दी से बताइए। इस जगह मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन में बताइए, 273। हम बात केल्विन में ही करेंगे, तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना तो मालूम है कि कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। प्रेशर कम हुआ है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और 273 से ज्यादा होगा। 273 से ज्यादा का मतलब कितना है, 273 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 280, समझ में आ रहा है, 290 भी हो सकता है, डिपेंड करता है हाइट कितनी है। तो यानी सिर्फ ये वाटर के केस में होता है, सॉलिड के केस में ऐसा, मतलब अदर सॉलिड्स के केस में या अदर सब्सटेंस के केस में ऐसा नहीं होता। डेंसिटी का कंसेप्ट से अदर के लिए तो दोनों में ही एक साथ प्रेशर बढ़ने पर दोनों ही चीजें बढ़ती है, यहां इन्वर्सली चल रही है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि पहाड़ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जमी हुई थी, क्या सही है क्या ये बात? हाँ सही है। घर पे इंडिया में क्या अर्थ सरफेस पे एटमोस्फियर प्रेशर पर बर्फ को जमाना है यानी आइस कर जमाना है तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस ले जाना पड़ेगा, लेकिन वहां 4 डिग्री पे भी जम जाएगी, यानी आपको ऐसा लगेगा धूप निकली हुई है फिर भी बर्फ जमी हुई है, ठीक है ना, कुछ देर के लिए। तो ये तो आपके पास रहा 10 कंसेप्ट, क्लियर है, कोई ऐसा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा ओ ए हो गया आपके पास, सही है। ओ बी को देखो, तो एक सेकेंड, अगर मैंने यहां पर 180 एटीएम कर दिया, ये देखिए ये मैंने प्रेशर लिख दिया 180 एटीएम, तो बताइए ये वाला जो होगा ये क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन क्योंकि ये 180 एटीएम पर है तो ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट, क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड, ठीक है ना। बस अंतर ये, कोई डाउट नहीं है। तो ये वाला कर्व ओ बी, यानी ओ बी कर्व आपके लिए क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए। ये फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो गया, सेकंड पार्ट ओ बी कर्व क्या कहलाएगा आपके लिए, ओ बी कर्व को बोलोगे आप वेपर कर्व या सब्लिमेशन बोल सकते, सब्लिमेशन मत बोलो, वेपराइजेशन बोलो, सब्लिमेशन तो होता है सॉलिड से सीधा वेपर में चेंज होना, सॉलिड से वेपर में चेंज होना। तो ये ओबी जो आपके पास आ रहा है ये इस तरह से है, तो ये हमारे पास आ रहा है वेपराइजेशन कर्व। अब आप मेरे को बताइए कि यहां पर चलिए इसमें जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर सॉरी आप ये देखिए प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां जो कर्व की शेप आ रही है प्रेशर बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या होता दिखाई दे रहा है, आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो यही पहाड़ पे दोबारा गए हम, इस बार बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए गए, तो बताइए यहां पर आपके पास जब 180 एटीएम है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373, क्लियर है। तो जहां 1/280 एटीएम है वहां प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि प्रेशर कम हुआ है वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, कम होगा, तो कितना होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन यह बात तो है कि कम होगा, लेस देन 373। तो यहां अगर अर्थ सरफेस पे बात करें तो दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, बॉइलिंग और मेल्टिंग के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 का डिफरेंस है। तो पहाड़ पर यह डिफरेंस बढ़ेगा या कम रहेगा या वही रहेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपका देखो फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो जो 100 था वो अब घट जाएगा क्योंकि ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, तो ये गैप क्या हो गया, कम हो गया, इज दैट क्लियर। तो ये बात तो हमारे पास की पॉइंट है, हाँ बेटा,
इसीलिए पहाड़ पर प्रेशर कुकर का यूज बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां बॉइलिंग पॉइंट ही सपोज मान लीजिए 70 ही आ गया या 70 60 ही रह गया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप किसी चीज को पकाएंगे खाना बनाने के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है ही नहीं, पानी में ही पकाना पड़ेगा। तो आपका पानी यानी वाटर जो आपके पास है 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जैसे ही जाएगा वेपराइज हो जाएगा पूरी तरह से। अब आप किस में पकाएंगे? नहीं पकाएंगे तो आपको क्लोज कंटेनर यूज करना पड़ेगा जैसे प्रेशर कुकर, जिसमें एक तरह से आर्टिफिशियली आप प्रेशर बढ़ाते हो, ठीक है ना, क्लोज होने की वजह से प्रेशर बढ़ता है। और फिर उसके अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट कितना ही जा सकता है, डिपेंड्स ऑन प्रेशर कुकर कैपेसिटी कि वो कितना बना सकता है। तो की पॉइंट क्या है? ऑन हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, एट द हाइट एट द हाइट द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये तो हमारे पास हो गया 10। अब आता आती है थर्ड कर्व की, और वो है हमारे पास सब्लिमेशन कर्व, और उसका नाम है OC, सब्लिमेशन कर्व। आप पहले ही पढ़ चुके हो सब्लिमेशन का मतलब क्या है, डायरेक्ट सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, देख सकते हो डायरेक्ट सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, वेपर, या वेपर डायरेक्ट किसमें चेंज हो रही है, सॉलिड में। जैसे कपूर देखते हो, कैंपर देख रहे हो आप घर पे, वो क्या होता है, सीधा सॉलिड होता है, थोड़ा सा भी गर्म होते ही वो क्या होगा, वेपराइज होता है। लिक्विड तो नहीं देखा ना, इसका मतलब उसका 1 ATM पे मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो आप। अब देखो समझ में आ रहा है बात क्या, इसका ये जो प्रेशर है ना, ये ध्यान से सुनिएगा, 1 ATM के नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 ATM के ऊपर आपको पानी के लिए यानी वाटर के लिए आपको सब्लिमेशन कर्व दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। यानी वाटर 1 ATM या उससे ज्यादा पर पहले लिक्विड में चेंज होगा और फिर सॉलिड में, यानी पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर वेपर, डायरेक्ट चेंज ही नहीं हो सकता वाटर के केस में 1 ATM के ऊपर। तो कोई और सॉलिड कुछ भी कर सकता है, वो उसका नेचर है। कोई समझ में आया ये? फिर बोल रहा हूं एक बार ध्यान से सुनना, वाटर 1 ATM या उससे ऊपर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से वेपर में चेंज होगा। आप चाहते हो सीधा सॉलिड से वेपर, तो आपको 1 ATM नहीं, बहुत कम ATM लेके जाना पड़ेगा। वो वैल्यू क्या है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आना चाहिए कि वैल्यू 1 ATM से तो कम होगी। इज दैट क्लियर? तो अब आपके पास OC कर्व क्या होगा, सब्लिमेशन कर्व। कुछ ही ऐसे कर्व हैं जिसके लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कपूर जो हम बोलते हैं घर में, उसका मतलब ये कर्व क्या होता है, उठा हुआ रहता है उसमें थोड़ा ऊपर, तो उसके लिए ये वाला पॉइंट ओ का मतलब ओ कहाँ होगा, 1 ATM से ऊपर होगा पॉइंट, तो उसमें ये आपको सब्लिमेशन कर्व देखने को मिलेगा, हर एक में नहीं मिलेगा। तो फिलहाल तो इस सब्लिमेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, और इससे ज्यादा मुझे इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं लगती है। तो हम वापिस आते हैं, ओ हमारे लिए क्या है, यहां पर ओ हमारे लिए कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट इस कर्व में ट्रिपल पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए छोटी छोटी चीजें। तो आपने तीन चीजें पढ़ी, पहला बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सब्लिमेशन पॉइंट क्या होता है, और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले पढ़ा था आपने मेल्टिंग पॉइंट, जिसे फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम पर हों, उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड और वेपर दोनों, लिक्विड एंड वेपर दोनों इक्विलिब्रियम पर हों, उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, या वो पॉइंट जहां पर बॉइल होता हुआ दिखाई देता है वही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जहां सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन पॉइंट। जहां तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। इज दैट क्लियर? क्या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सब्लिमेशन पॉइंट प्रेशर के साथ चेंज होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन ट्रिपल पॉइंट फिक्स होता है,
वो सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है, इसका मतलब उसे फिक्स होना पड़ेगा, बाकी सब वेरिएबल होते हैं। तो ये आपने शॉर्ट में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आप लिख सकते हैं OCA सब्लिमेशन कर्व, ऑल थ्री स्टेट आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। ऑल थ्री स्टेट आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, बस यही आपके लिए ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन है। इज दैट क्लियर? लिख लीजिए आप। इन केस ऑफ कपूर, आपका जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह का होगा, या कोई भी और सॉलिड, वो कर्व कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहां आपको क्या दिख रहा है, ये ओ यानी की पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्या की पॉइंट है? फेज डायग्राम में बता रहा हूं, प्रेशर और टेम्परेचर के लिए। ये पॉइंट हो गया आपके पास ओ, पॉइंट क्या है ओ, ए बी सी, सही है। तो यहां आपके पास क्या खास बात है, प्रेशर बढ़ने पर टी मेल्टिंग पॉइंट, टी बॉइलिंग पॉइंट, टी सब्लिमेशन पॉइंट सब बढ़ते हैं। आप देख लो, प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, या उल्टा भी देख सकते हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सारे पॉइंट प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। इनमें आपके पास डीपी बाय डीटी की वैल्यू कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है आप बता सकते हो,